ओके सो हे गाइस बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण। आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं आप सभी को कुछ बैकग्राउंड पेजेस दूंगा जिन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस ये वाली जो हमारी एडिटिंग है गाइस ये हम थोड़ा ड्रो टूल में करेंगे, तो गाइस इसमें जो भी स्टेप मैं यार आपको दिखाऊंगा इसमें वीडियो में, तो आपको यार उस स्टेप को आपको ध्यान से देखना है। एंड गाइस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद ही आपको जाकर अपनी फोटो को एडिट करना है। तो गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप लोगों को अपनी फोटो को जो है इस टाइप में आपको कहीं क्लिक करवा लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को जो है यहाँ पे लेके जाना है आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में। आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको जाना का जहाँ से कलर्स वाला ऑप्शन में, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कलर्स वाला ऑप्शन, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेना है नेगेटिव वाला ऑप्शन, ठीक है। नेगेटिव वाला, अगर इस नेगेटिव के अलावा गाइस आप ब्लू वाला भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप वैसे यार नेगेटिव यूज़ करना, ये नेगेटिव बेस्ट लग रहा है क्योंकि दिख भी रहा है इसमें फेस वेस, तो आपको ये लेना है। एंड उसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको गाइस अपनी फोटो को जो है ये वाली इसको लेके जाना है ड्रो टूल में, ठीक है। इसको गाइस अभी आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, इसको आपको डायरेक्ट ड्रो टूल में ले जाना है। एंड गाइस ड्रो टूल में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे जाना है लेयर में, ठीक है। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ जो ये प्लस वाला आइकन है उस पर जाकर आपको फोटो लेयर में जाना है। एंड जो गाइस आपको पहले फोटो को इंपोर्ट किया था आपको उसी को इंपोर्ट करना है, एंड इस सेम साइज में वैसे इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। फिर इतना जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे जाना आपको इरेजर में, आपको इरेजर पे क्लिक करना है, आपको साइज हार्डनेस सब कुछ फुल कर देना है। एंड उसके बाद सेट कर देना है। फिर आपको जाना शेप वाले ऑप्शन में, शेप वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से शेप में जाएंगे। एंड उसके बाद आपको थर्ड वाला लेना है। एंड उसके बाद आपको उसको फिल कर देना है। एंड उसके बाद ओके कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर करना है, आपको एक लाइन है जो ऐसे मतलब कि आपको ना यहाँ पे जैसे आप प्रेस करोगे ना अपनी स्क्रीन पे, तो कुछ इस टाइप से ऐसे लाइन ड्रो जाएगी एक। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको लाइन ड्रो करने के बाद आपको एकदम एंड तक ले जाना है इस लाइन को। एंड लगा इस लाइन है जो आपको ज़्यादा पतली सी रखनी, ठीक है। लाइन जो है इतना साइज रखना है अपनी लाइन का। एंड उसके बाद इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है एक बार स्क्रीन पे, ठीक है। टैप करने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको कहा जहाँ से अगेन एक और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे ही, ठीक है। सेम ऐसे ही प्रेस करके रखना, एक लाइन ऐसी ड्रॉ हो जाएगी। फिर आपको इसको एंड तक इसको जिस टाइप से ऐसे रख देना है। एंड उसके बाद आपको जो अपना फेस देख लेना, आपको कितना फेस रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपको जैसे इसको रख दोगे, फिर आपको सिंपली टैप करना है एक बार। एंड इतना हो जाने के बाद आपको एक साइड से भी इस तरीके से ले आना है। एंड उसके लाइन ड्रॉ करके एंड आपको यहाँ पे साइज को जितना रख लेना है। एंड उसके बाद आपको उसको कर देना अगेन टैप, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको एक और यहाँ से भी आपको ड्रॉ करनी लाइन कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको इसको भी टैप कर देना है यहाँ पे। तो मैं क्या करेंगे, इसका साइज़ हम कुछ इतना रख लेते हैं। एंड यहाँ पे का जितना परफेक्ट है, ठीक है। तो साइज़ आपको भी इतना ही रखना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको इसको टैप करना है, ठीक है। तो टैप कर लेते हैं। बट गाइस मेरे ख्याल से साइज़ थोड़ा छोटा है, तो गाइस हम इस क्या करते हैं, यहाँ से अंडो करते हैं। एंड साइज़ जो आपको फेस का साइज़ है जो आपको यहाँ से आपको चिन तक रखना है अपना साइज़, ठीक है। तो मैं इसको इतना कर लेता हूँ एंड यहाँ तक इतना परफेक्ट है। तो आपको भी इतना ही रखना है, ठीक है गाइस। इतना करने के बाद आपको कर देना है टैप। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नहीं कर, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में नहीं, आपको एक इसी जो अपने जिसका भी सबसे ऊपर वाली जो आपकी लेयर है आपको उसकी एक डुप्लीकेट बनाना है। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद आपको करना, आपको ऊपर वाली लेयर लेनी है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एक इरेजर ऐसे ही मतलब कि आपको जैसे लाइन ड्रॉ करनी है, पहले क्या करना है, आपको यहाँ जाना है लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको नीचे वाली लेयर है जिसको हाइड कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको जो है यहाँ पे फेस वाला एरिया ना, बस इसके अलावा आपको नीचे का पूरा एरिया यहाँ पे इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। आपको ऐसे कर देने के बाद आपको फिर करना है टैप कर देना एक बारी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसको ओपन करना है यहाँ पे लाइट को, इसको जो नीचे वाली लेयर थी आपको उसको ओपन कर देना है। एंड उसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म में जाना, आपको थोड़ा सा इसको इस तरफ ले आना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपको थोड़ा सा इस तरफ ले आना है। एंड उसका डन करना है। एंड आपको नीचे वाली लेयर में जाना है। फिर आपको यहाँ पे वापस से इरेजर में और शेप वाला वही ऑप्शन ले लेना है, ठीक है। तो हम शेप में जाएंगे, हम वापस से इरेजर सेट करते हैं, शेप में जाएंगे। शेप में जाकर आपको सिर्फ मिली वही बॉक्स वाला ऑप्शन ले लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये लास्ट वाला एरिया है जो पीछे वाला हमारा ये फेस का, आपको उसको यहाँ पे सिंपली इरेज कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो आप देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा हो चुका है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम अब इसको हम सिंपली यहाँ पर डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड डन करते हैं इसको। एंड डन करने के बाद आपको अब यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको अपनी इस फोटो को सेव कर लेना है। एंड इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि अभी तो रिटच भी करना, तो रिटच भी करना तो फोटो हमारे बिल्कुल अधूरी है। तो इसको हम लाइट रूम ऐप में ले चलते हैं। एंड क्या लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है स्लाइट वाला ऑप्शन में। आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको यहाँ पे थोड़ा सा माइनस कर देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी कम कर देना है। एंड जो शेडो है इसको आपको थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है, शेडो को थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। फिर यहाँ पे व्हाइट मिलेगा, आपको थोड़ा व्हाइट कम करना है। ब्लैक का जो है जिसको ब्लैक थोड़ा बढ़ा देना है। एंड जाना आपको कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको गाइस वाइब्रेशन को यहाँ पे थोड़ा बढ़ा देना है। एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देना है। फिर जाना आपको कलर मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, एंड ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देना है।
फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर करना है, आपको जाना है ऐसे ब्लू कलर में, आपको उसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे जाना है डार्क ब्लू में, आपको उसका भी सैचुरेशन माइनस करना है, एंड उसके बाद आपको सिंपली कर देना है डन। फिर उसका इतना करने के बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको फोटो की क्लियरिटी बढ़ानी है, फोटो में थोड़ा सा विग्नेट डाल देना अपने अकॉर्डिंग, एंड गाइस नीचे मिलेगा आपको ग्रेन माउंट, आपको उस ग्रेन माउंट बढ़ा देना है, एंड उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, आपको मैं फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देंगे, फोटो में थोड़ा सा नोड रिडक्शन डाल देना, एंड नीचे जो आपको मिलेगा कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे, मैं आपको मैं दिखाता हूं बिफोर एंड आफ्टर। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।